हेलो दोस्तों, कृपया करके आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सब्सक्राइब करके हमें और अच्छा बनाएं। क्वालिटी का जो टॉपिक है आप पढ़ने वाले यूनियन एनर्जी टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4 जो है आपका पार्ट 1 संविधान में आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेसिफाई करता है यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल 1 जो बोलता है कि भारत एक यूनियन है, यूनियन भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है और जो इसका जो है टेरिटरी जो है आपका भारत का वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। टेरिटरी ऑफ स्टेट के नाम पे है, टेरिटरीज, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज जो कि भारत एक्वायर करता है, ठीक है। आर्टिकल 2 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार दिया हुआ है कि नया स्टेट को एडमिट, मतलब नया स्टेट को वो हासिल कर सकता है, जैसे किसी दूसरे देश को कब्जा कर लिया तो नया स्टेट हो गया उसको बना सकता है, या फिर नया स्टेट, नया आपका स्टेट जो है वो क्रिएट भी कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है। उसका पावर दिया गया है आपको पार्लियामेंट में रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टेट्स को आर्टिकल 3 के तहत, जिसमें ये बताया गया है कि आप सेपरेट कर सकते हैं टेरिटरी को किसी भी स्टेट से, या फिर जोड़ सकते हैं 2 स्टेट को, या फिर और भी ज़्यादा पार्ट को जोड़ सकते हैं स्टेट को टेरिटरी के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ दिया, एरिया बढ़ा सकते हैं, एरिया घटा भी सकते हैं, बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं स्टेट का और स्टेट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये सारा आर्टिकल 3 में आपको कवर किया हुआ है पार्लियामेंट का, जो पावर है पार्लियामेंट का संविधान की तरफ से। आर्टिकल 4 जो है उसमें ये बताया गया है कि आपका नया स्टेट को इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, जो आर्टिकल 2 बोलता है, और फॉर्म कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं उसके एरिया बाउंड्रीज को, नाम को, जो आर्टिकल 3 में है। बट ये कंसिडर तब होगा जब आप, और इसको कंसिडर आपको ये नहीं करना है एज ए कि ये आर्टिकल जो 368 होता है संविधान का उसके तहत ये कंसिडर नहीं किया जाता है। 1953 में जो भारत सरकार ने अपॉइंट किया था 3 मेंबर कमेटी को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन बेसिकली फॉर्म हुआ, स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन फॉर्म होता है, जिसके चेयरमैन थे फजल अली, उनके साथ थे के एम पनीकर और एच एन कुंजरू उनके मेंबर थे, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था 1955 में, जहाँ की ये बहुत बड़े पैमाने में एक्सेप्ट किया गया कि भाषा जो है रिऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए, ठीक है। और फजल अली कमीशन ने इसको रिकमेंडेशन भी दिया था जो कि बाद में एक्सेप्ट भी हुआ, और बाद में स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956 बना, जिसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की तरह 1956 में ये लागू हुआ था, जिसमें कि ये हुआ कि जो डिस्टिंक्शन होता था स्टेट्स के बीच में, ए पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट और पार्ट सी स्टेट को उसको ख़त्म कर दिया गया, और रिऑर्गनाइजेशन के तहत 16 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन के आए, जो बेसिकली क्रिएट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका बना आपका राज्य नया बना 1956 को, गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 नए राज्य निकल के आए, जो पहले बॉम्बे के राज्य से जाना जाता था 1960 में। नागालैंड जो था वो स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के तहत स्टेट ऑफ नागालैंड क्रिएट हुआ, और वो जो नागालैंड बना है वो असम को एरिया से कट करके बनाया गया। पहले जितना भी आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देख रहे थे प्योर इनका नाम असम था, सिर्फ असम था, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अभी सारे के सारे असम थे। हरियाणा को भी काट के निकाला गया पंजाब से, जो कि पंजाब रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1966। हिमाचल प्रदेश जो था पहले स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 के तहत किया गया, जिसमें कि यूनियन टेरिटरी हुआ करता था पहले हिमाचल प्रदेश, बाद में उसको स्टेट का दर्जा मिल गया। मेघालय पहले एक सभ्य राज्य स्टेट होता है, उसका एक सब स्टेट बना दिया, मतलब सभ्य राज्य मतलब या उपराज्य बोल लीजिए, उपराज्य बनाया गया असम में से। लेटर 1971 में इसको रिसीव किया गया, फुल स्टेटस दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1971 के तहत। मणिपुर और त्रिपुरा दोनों स्टेट को काम मतलब फॉर्म किया गया आपका बना है ये नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971 के तहत। सिक्किम जो था ये 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में ये आपका बना है। सिक्किम बेसिकली दूसरा एक राज्य था, बाद में इसको भारत सरकार ने इंक्वायरी किया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में, 74 का है एक्ट, 1974 का जो बना था 1975 में। मिजोरम को जो था स्टेटस पूरा फुल राज्य का दर्जा मिल गया मिजोरम को, मिजोरम एक्ट 1986 का। अरुणाचल प्रदेश को पूरा राज्य का दर्जा मिला अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 में। गोवा डमन एंड ड्यू सेपरेट किया गया यूनियन टेरिटरी से,
जो गोवा डमन और ड्यू का था, अब उनको फुल फ्लेज राज्य बना दिया गया। जैसे गोवा डमन और ड्यू आज भी रियोर्गनाइजेशन एक्ट, गोवा डमन एंड ड्यू इनको रियोर्गनाइजेशन एक्ट 1987 के तहत किया गया था, बट आज भी डमन और ड्यू यूनियन टेरेटरी रहा है अभी तक। छत्तीसगढ़ जो है ये आपको 26वां राज्य बना देश का, मध्य प्रदेश का हिस्सा काट के 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड पहले इनका नाम उत्तरांचल था, इनको डिवाइड किया गया और ये बना गया उत्तर प्रदेश 9 नवंबर 2000 को, और 2007 को इनका नाम चेंज होके, ऑफिशियली चेंज होके हो गया उत्तरांचल हो गया। उत्तरांचल था जो उत्तरांचल चेंज होकर उत्तराखंड हो गया। झारखंड जो राज्य था आपका क्रिएट किया गया 28 क्रिएट हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को, और ये 28वां राज्य है। बिहार को काट के बनाई है, बिहार को डिवाइड करके झारखंड बनाया। तेलंगाना जो राज्य है ये 29वां राज्य है, इसको आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया है जून 2014 को। और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1991 में जो विद इफेक्ट हुआ 1 फरवरी 1992 को, जिसमें कि यूनियन टेरेटरी दिल्ली को भी नाम किया गया, एक्चुअली रीनेम किया गया, नेशनल कैपिटल टेरेटरी बनाया दे के, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरेटरी NCT हो गया ऑफ दिल्ली। थैंक यू, आशा है कि आप सभी लोग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।